स्वतंत्रता दिवस से पहले टेरर इकोसिस्टम पर तगड़ा प्रहार किया गया है और सूत्रों के मुताबिक एलजी मनोज सिन्हा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टेरर लिंक के आरोप में 4 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया है। 4 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है इकोसिस्टम पर, इस टेरर के इकोसिस्टम पर यह वार है और टेरर लिंक में ये सरकारी कर्मचारी और इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 4 इनकी संख्या है। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन का बेटा और बिट्टा कराटे की पत्नी भी शामिल है। बिट्टा कराटे पर 90 के दशक में घाटी में कश्मीरी पंडितों की सामूहिक हत्या में शामिल होने का आरोप लगा है और यह बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, बड़ा एक्शन लिया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन लिया है और उन्होंने टेरर लिंक के आरोप में 4 कर्मचारियों पर और 4 ये सरकारी कर्मचारी जिन पर कार्रवाई हुई है इनको बर्खास्त किया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि सिर्फ बर्खास्त की, अगर टेरर से लिंक है तो सिर्फ बर्खास्त की ही क्यों? क्या गिरफ्तारी और आगे अब इस मामले में एक्शन भी होगा, इस बात का इंतजार। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि बिट्टा कराटे की पत्नी वो सरकारी नौकरी में थी और उनको बर्खास्त किया गया है। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन का बेटा भी शामिल है, उसे भी नौकरी से हटा दिया गया है, अभी बर्खास्त किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि अब एक्शन और किस तरह का होगा इन पर, क्योंकि अगर टेरर लिंक से कनेक्शन आया है उसके बाद अगर बर्खास्त किया गया है तो फिर कार्रवाई बनती है। 90 के दशक में घाटी में कश्मीरी पंडितों की सामूहिक हत्या में शामिल बिट्टा कराटे, उसकी पत्नी को भी बर्खास्त किया गया है।